भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हर प्रकार के उपदेश दिए, मानव जीवन के वो सभी विकारों से मुक्ति पाने के मंत्र दिए, और जिस मनुष्य ने भगवत गीता को पढ़ा और उसे समझा, फिर उसने जाना दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान भगवत गीता में मौजूद है। आपके अंदर कोई भी शंका हो, उसका उत्तर आपको भगवत गीता में मिल जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या क्या है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष पाने के कई सारे द्वार बताए, ध्यान योग, योग, प्रेम योग, कर्म योग जैसे। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष पाने का एक आसान और सरल तरीका बताया, जिस विधि से मनुष्य कितना भी पापी, कितना भी अकर्मी, कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, मृत्यु के क्षण में वो तुरंत मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं, लेकिन मनुष्य की अज्ञानता इतनी है, यानी इस मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है, अपना पूरा जीवन भोग विलास में बिताता है। इतना ही नहीं, मनुष्य की मृत्यु का जब क्षण होता है, उस समय भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती, और इसीलिए मृत्यु के समय जो वासना उसके मन में सबसे स्ट्रांग होती है, सबसे शक्तिशाली होती है, उसी वासना के मुताबिक उसे अगला जन्म मिलता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई ये एक गुप्त विद्या है, वेरी सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ये एक मरने की विद्या है, और जो इस विद्या को जान लेते हैं, वो चाहे अपने जीवन में कितने ही पापी क्यों ना रहे हों, मृत्यु के समय इस विद्या का उपयोग करके, उस परमात्मा का ध्यान करके, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष अर्थात जन्म मरण से मुक्ति। फिर वो दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आता, पृथ्वी के अनेक सुख और दुखों से दूर आनंदमय हो जाता है। अर्जुन पूछता है, हे केशव, मृत्यु के समय बड़ा ही कष्ट होता है, अब चाहे वो किसी घातक हथियार के जरिए हो या प्राकृतिक मृत्यु हो, क्या मृत्यु को आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये प्रश्न मृत्यु को आसान बनाने का नहीं है, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने का है। कृष्ण ने कहा, यदि व्यक्ति मृत्यु के समय मेरी बताई हुई विधि को अपनाए, तो वो सीधा मोक्ष को जाएगा, मेरे परम धाम को आएगा। फिर अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, वो गोपनीय ज्ञान विधि क्या है? श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोक कर, अर्थात उन्हें वश में कर और अपने मन को अपने हृदय में स्थिर करके, और अपनी प्राण ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में स्थापित करके, उस परमात्मा का स्मरण करते हुए इस ओम मंत्र का उच्चारण करे, तो वह मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों ना रहा हो, उस व्यक्ति को मोक्ष जरूर प्राप्त होगा। देखा कितनी आसान विधि बताई भगवान श्री कृष्ण ने। ओम केवल एक शब्द नहीं है, सभी मंत्रों का परम मंत्र है, इसकी महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधना की सफलता का केंद्र बिंदु ओम है, सिद्धि प्राप्ति का सूत्र भी ओम है। ये वो ध्वनि, ये वो मंत्र है जिससे सारा ज्ञान और सारी सृष्टियां उत्पन्न हुई हैं। इस ब्रह्मांड को जन्म देने वाला भी ये परम मंत्र ओम है। ओम की यह सरल साधना ध्यान और भक्ति के मार्ग को प्रकाशित कर देती है, और जीवन में ओम का उच्चारण शरीर के हृदय कमल में आत्मा की ज्योति हमेशा प्रकाशित रहती है, और मृत्यु के समय जब कोई मनुष्य ओम इस ध्वनि का उच्चारण एक सुर में करता है, तो इस क्षण में आत्मा और परमात्मा दोनों ही महा सुख में होते हैं, आनंदमय होते हैं, और दोनों ही मिलने के लिए एक दूसरे से ऐसे व्याकुल हो जाते हैं जैसे युगों युगों से बिछड़े हों। सभी सांसारिक सीमाओं को तोड़कर एक दूसरे के भीतर समा जाने को व्याकुल हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मानव शरीर को मुक्ति का द्वार भी कहा है, लेकिन हम इस छोटे से महत्व को समझ नहीं पाते, और इसी महत्व के कारण हमारे शरीर की रचना उस ईश्वर ने विशेष रूप से की है। हमारे इस शरीर को एक छोटे से ब्रह्मांड के रूप में दर्शाया गया है।
हाँ, हमारा शरीर इस ब्रह्मांड का एक ब्लूप्रिंट है, इसी में सभी लोगों का निवास है। मानव के शरीर में पैरों से नाभि तक भूलोक दर्शाया गया है, नाभि से कंठ तक अंतरिक्ष यानी आकाश लोक, और कंठ से शास्त्रार्थ तक स्वर्ग लोक को बताया है। और सिद्ध योगी मानव शरीर की इस बनावट को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए एक सच्चा योगी अपना शरीर त्यागते समय अपनी प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाकर विशुद्धि चक्र अर्थात कंठ में ले आते हैं, और विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र पर लाते हैं, और आज्ञा चक्र से कपाल में यानी सहस्त्रार चक्र पर स्थापित करके अपने प्राण निकाल देते हैं। और हम साधारण इंसानों को इस विधि के बारे में कुछ नहीं पता होता, और इसीलिए साधारण मनुष्य के प्राण दूसरे द्वार से निकलते हैं, ज्यादातर मूलाधार चक्र से, लेकिन ज्ञानी पुरुष की प्राण ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से ही निकलती है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष की मृत्यु के समय सहस्त्रार चक्र यानी उसके कपाल की तरफ वैसा क्षतिग्रस्त हो जाता है, और इसीलिए सनातन धर्म में मनुष्य की चिता जलाते समय उसकी कपाल पर एक डंडे से यानी बांस से मारने की प्रथा चली आ रही है। ज्ञानी पुरुष के तो ये स्वतः ही हो जाता है, लेकिन हमारी प्रथा के अनुसार हम जबरदस्ती सहस्त्रार चक्र पर चोट करते हैं, लेकिन जबरदस्ती मोक्ष पाया नहीं जा सकता। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कितनी सुंदर व्याख्या की है, मृत्यु के क्षण को कितना विशेष बताया है। मनुष्य के जीवन में केवल दो समय बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, एक उसके जन्म का और दूसरा उसके मृत्यु का समय। जो मृत्यु के समय अपने होश में रहकर उस परम का ध्यान कर लेता है, उस ओम में विलीन हो सकता है, वो कुछ सेकंड्स में ही मोक्ष को यानी ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। ऐसे भी बहुत से सिद्ध पुरुष हुए जो अपनी मृत्यु के समय ही ज्ञान को प्राप्त हो सके यानी मोक्ष को प्राप्त हो सके, तो बिल्कुल करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। टिल देन बाय बाय।